खबर है नोएडा से। पैसों को दुगना करने का झांसा देकर और डिजिटल करेंसी की कंपनी खोलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। बताते चलें कि स्पेशल टास्क फोर्स की नोएडा यूनिट और थाना 58 पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक माह में निवेश किए गए पैसों को दुगना करने का झांसा देकर और डिजिटल करेंसी की कंपनी खोलकर लोगों में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ नोएडा और थाना 58 पुलिस ने इस गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी, बैनर, विजिटिंग कार्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, ग्राहकों के डाटा, एटीएम कार्ड, 2 घड़ी, 2 कार, 3 फर्जी आधार कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। ईओडब्ल्यू के द्वारा संपादित की जा रही विवेचना में कुछ लोगों की वांछित की सूचना एसटीएफ को मिली थी, जिसमें आज एसटीएफ की टीम इंस्पेक्टर पंकज मिश्र के नेतृत्व में नोएडा के होटल पार्क एक्सेंट में उनके द्वारा दबिश दी गई, जिसमें करीब 12 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। विक्रम सिंह यादव, आशीष कुमार, मंजीत कुमार, रंजीत कुमार, शैलेश कुमार राय, अरविंद कुमार मिश्रा, इंद्रजीत यादव, विपुल सिंह, धीरज निगम, संदीप सोलोमन, निशांत कुमार और पूजा कन्नौजिया, इन लोगों के पास से करीब 16 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 2 पैन कार्ड, 30 ATM कार्ड और 4 कूटरचित आधार कार्ड और करीब 1.5 लाख रुपये इनके पास से नकद और 2 4 पहिया वाहन इनके पास से बरामद हुए हैं।